इट्स वन थिंग टू से कि ये तो कहानी है, कैरेक्टर ने ये किया, लेकिन हमें रुक के सोचना है कि ये कैरेक्टर बनाया तो आपने है, ये स्टोरी आपने डिसाइड की है उस कैरेक्टर के लिए, तो व्हाट इज इट अबाउट यू दैट्स मेकिंग दैट कैरेक्टर डू दैट? आप कह रहे हो कि इसके भाई ने बाहर जाके धर्म बदल लिया, यू हैव डिसाइडेड दैट दैट कैरेक्टर इज गोना चेंज देयर धर्म एंड बिकम अ मुस्लिम and a very stereotypical Muslim who's going to have three wives, who's going to be aggressive and beat up the wives, pounce on his wife in front of all the 100 people. Ek bahut stereotypical jo hamari society mein kaha gaya ki Muslim aadmi aise hote hain jo aaj kal narrative hai. Aapne bahut consciously ya subconsciously, I don't know, क्रिएट किया है उस कहानी को, उस कैरेक्टर को उस तरह से कि उसने धर्म बदला. आई डोंट नो व्हाई धर्म बदलना वाज इम्पॉर्टेंट, और अगर धर्म बदलना था तो मुस्लिम ही बनना था. दीज आर वेरी कॉन्शियस चॉइसेस मेड बाय अ राइटर और अ फिल्म मेकर, एंड आई थिंक देर इज, इवन इफ समबडी इज नॉट कॉन्शियसली बीइंग इस्लामोफोबिक, देर इज अ नीड फॉर देम टू स्टॉप एंड क्वेश्चन कि कुछ हुआ है क्या यहाँ पे जो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, especially in the society we're living in today. Sure, during these times, it's a point extremely well taken. Ajit.